ये जब कर लेंगे ना, तो चार क्वेश्चन कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है, एग्जामिनर के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको चार क्वेश्चन करने से रोक ले। हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका शिक्षा धाम में। काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरी आ रहे हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम के 20 दिन बचे हैं, कुछ ऐसे मुझे ट्रिक्स बताइए, ऐसे चैप्टर बताइए कॉस्टिंग में जिसे करने के बाद हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। और कुछ बच्चे तो नालायक ऐसे भी हैं जो बोलते हैं सर पास ही हो जाएँ। तो आज जो मैं 20 दिन पहले बताऊँगा डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊं तो मैं, आप ध्यान से सुनिएगा और उसको फॉलो जरूर करिएगा। नंबर और क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 5। 5 क्वेश्चन जो होंगे वो किस किस पैटर्न पे होंगे और उसी हिसाब से मैं चैप्टर भी यहाँ लिख दूंगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, आपको एक चैप्टर करना है इसके लिए कॉस्ट शीट, और एक क्वेश्चन चैप्टर करना है आपको रिकंसलेशन। रिकंसलेशन समझ जाइए, रिकंसलेशन क्वेश्चन नंबर 1 यहां से बनेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें करने में, कॉस्ट शीट भी पूरी वीडियो अपलोडेड है, रिकंसलेशन दोनों साथ के साथ करें, दोनों एक दूसरे से लिंक है। सर दूसरा क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर जो 2 बनेगा वो बनेगा चैप्टर मटेरियल से। तो सर 30 नंबर तो देखो वैसे ही कंप्लीट हो गए हैं आपके 75 में से, 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो थर्ड चैप्टर आपको मटेरियल उठाना चाहिए। सर और कुछ बताएं, क्वेश्चन नंबर जो 3 बनेगा आपका, वो बनेगा आपका चैप्टर एक है ओवरहेड। ओवरहेड आप पूरा ना करें, ओवरहेड में सिर्फ मशीन आवर रेट वाला टॉपिक कर लें, या फिर मैं पहले सिंपल वाला टॉपिक बता देता हूं आपको, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 मेनली बन जाता है, वो बन जाता है आपका या तो कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बहुत सिंपल है करके देखना, या बनेगा प्रोसेस अकाउंट, बहुत सिंपल है, अगेन कह रहा हूं मैं। तो देखो अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो, कॉस्ट शीट कर लो, ज़्यादा नहीं 1 से 2 दिन लगना है देखो आपको करने में। मान लो 2 दिन में आपने पूरे वीडियो निपटा दिए फटाफट, बुक आपका महेश्वरी मित्तल कर लिया, रिकंसलेशन आपको 1 दिन लगेगा अगर आपने कॉस्ट शीट कर लिया, 3 दिन हो गए। मटीरियल के अंदर 2 दिन लगने हैं मुश्किल से, 3, 2, 5 दिन हो गए, इसके अंदर 3 दिन मान लो, 5, 3, 8, और इसके अंदर 3 दिन, 8 और 3, 11, अभी भी 9 दिन बचे हैं आपके पास। और ये पूरे पूरे दिन नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है सिर्फ आपको 2 घंटे, समझ में आई बात। ये चैप्टर खत्म हो गया क्वेश्चन 3, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आप करें चैप्टर मशीन आवर रेट। और कौन सा करें सर, दूसरा चैप्टर, ये बेसिकली मशीन आवर रेट ओवरहेड के अंदर मिलेगा, तो ओवरहेड पूरा नहीं करना, पूरा करने का फायदा नहीं है, उसमें से सिर्फ मशीन आवर रेट पिक करके और फिर करना है आपने। और कौन सा करें, और करें सर्विस कॉस्ट जिसमें ट्रक और लॉरी वाला है। तो मैं सारी वीडियो जल्दी से जल्दी डाल रहा हूं, मेरी यही कोशिश है कि अब मैं और ज्यादा डेली 2-2 क्लासेस में लेके डालूं। देखो मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं, आप सब भी मेरे साथ मिलकर मेहनत करो, दोस्तों में भी शेयर करो और आप उसी तरीके से करो। मैं एक बार क्विकली फटाफट बता देता हूँ 1 मिनट में क्या करना है। आप सबसे पहले कॉस्ट शीट चैप्टर पूरा करिए, रिकंसलेशन करिए, मटेरियल करिए, डला हुआ है यूट्यूब पे ऑलरेडी, जाइए देखिए, दोस्तों को बताइए, जिनको लगता है कि पास नहीं हो सकते सेकंड फेज में एग्जाम देंगे, ऐसा मत करना, डेफिनेटली हो जाओगे। कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है, इसके भी सारे वीडियो डल गई है। अब आगे मैं प्रोसेस और मशीन और सर्विस ये फटाफट में डालने की कोशिश करूंगा, प्रोसेस के मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगा। और ये जब कर लेंगे ना, तो चार क्वेश्चन कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है, एग्जामिनर के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको चार क्वेश्चन करने से रोक ले। सर 75 का पेपर आएगा और 75 में से आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, 60, एकदम नालायक बच्चों के 60 60 आएंगे।
सर पांचवा क्वेश्चन भी बता ही दो तो काम चल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन एक क्वेश्चन थ्योरी रहेगा जो कहीं से भी पूछा जा सकता है, 10 ईयर उठाएंगे, 10 ईयर में से आपको ट्रेंडिंग पता चल जाएगा। तो पांचवा क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं होता, लगभग लगभग थ्योरी का पार्ट होगा आपका, एक क्वेश्चन थ्योरी रहेगा आपका। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है। बुक देखोगे इतने मोटे, बड़े सारे चैप्टर हैं, ये वो फलना डिगमा सब छोड़ो, और थ्योरी के भी मैं चैप्टर बताऊँ ना तो मटेरियल में से एक थ्योरी आना कन्फर्म है, लेबर में से एक थ्योरी का आना कन्फर्म है, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड एक चैप्टर है हमारा लास्ट में, सबसे लास्ट चैप्टर है, उसमें से एक थ्योरी आना कन्फर्म है, ABC एनालिसिस में से आना कन्फर्म है। मैंने बोला है उसे धीरे धीरे आप स्लो करके लिख लेना, इसमें से थ्योरी आएगा, बाकी 10 ईयर में सारी आपको थ्योरी मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिले एग्जाम से 20 दिन पहले। डरना नहीं है, अच्छे नंबर लाना है, दोस्तों को बताना है भाई ये चैप्टर कर लो, आसान है, और बिलीव करना आप ये करके देखो एक एक चैप्टर। जब भी कोई डाउट आता है आप कमेंट में लिखिए, यूट्यूब पे मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।